जब हमारी टेस्ट ड्राइव कार आएगी ना तब चलाएंगे। अच्छा टेस्ट ड्राइव वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो आज हमारे पास भाई न्यूली गाड़ी है भाई, ये नई नई लॉन्च हुई है तो एल्ट्रोस, बस इसका एक एडिशन नया है एल्ट्रोस रेसर। तो इसमें भाई क्या चेंज है, इसके अंदर ना नेक्सन वाला इंजन दे दिया गया, जो 1200 सीसी का इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 120 bhp 170 nm का टॉर्क। देखो इंजन तो अच्छा है, बस इंजन में दिक्कत ये है कि वो तीन सिलेंडर इंजन है। जो तीन सिलेंडर इंजन होता है मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आता, चाहे वो टर्बो में लो या नेचुरल एस्पिरेटेड में लो। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप फोर सिलेंडर पे जाओ। तीन सिलेंडर अगर आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से हुंडई और मारुति के काफ़ी अच्छे होते हैं। टाटा के मुझे तीन सिलेंडर इंजन काफ़ी बेकार लगते हैं भाई, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, वो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो ये जो गाड़ी है ना फिलहाल अभी लॉन्च हुई है, तो इसमें ना पावर बढ़ा दी गई है पहले से काफ़ी ज़्यादा। तो पहले आती थी इसके टर्बो इंजन में 110 bhp, अब इसमें आ रही है भाई 120 bhp। तो इसके हिसाब से इसमें पावर काफ़ी बढ़ा दी गई है। तो वही चीज़ मुझे चेक करनी है कि इस गाड़ी में कैसी पावर आपको मिलेगी, आपको नेक्सॉन से ज़्यादा मिलेगी या उसके बराबर ही मिलेगी। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये गाड़ी का वेट थोड़ा लाइट है तो इसमें थोड़ी आपको पावर ज़्यादा फील होने वाली है तो उतनी पावर, लेकिन जो वेट है गाड़ी का तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा फील होने वाली है इस गाड़ी के अंदर पावर। तो इसमें जो ट्रेसर में तीन एडिशन आते हैं, तो तीनों में से सबसे बेस वाला एडिशन है, मुझे नाम नहीं पता पक्का, लेकिन मैं आपको बस इस वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ कि ये गाड़ी परफॉर्म कैसा कर रही है, परफॉर्मेंस कैसी है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अट्रैक्टिव है ना ये, एवरेज क्या दे दी है? तो यार थोड़ा मैं आप लोग को बताऊं इस गाड़ी के बारे में। देखो जैसे मैंने इस गाड़ी को देखा था ना, उस वक्त जब इसका इंजन स्टार्ट करा था, जो इसकी एग्जॉस्ट साउंड आ रही थी भाई, मुझे बहुत सही लग रही थी। वो ऐसा लग रहा था कोई स्पोर्टी कार वाली फील दे रही है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी होने वाली है। लेकिन देखो परफॉर्मेंस तो इसकी अच्छी थी, बट जैसे कि मैंने इसके क्लच में एक दिक्कत पाई कि यार आप लोग सब बताना कि सब टाटा गाड़ी में होता है क्या, कि क्लच दो बार बहुत ना अंदर डीप भी जाता है और झटके से छूटता है, स्मूथली नहीं छूटता वो, ठीक है, थोड़ा डीप भी लगता है, दो इसमें क्लिक वाली साउंड आती है और स्मूथ बिल्कुल नहीं है इसका क्लच। इंजन तो ठीक है, पुश ठीक ठाक दे रहा है, एक्सेलेट अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन वाले बात तो मुझे लगी नहीं भाई जो 1.2 लीटर वाली होनी चाहिए। चलो एक बार मैं आपको इसके एग्जॉस्ट की साउंड सुनाता हूँ, अब एक बार एग्जॉस्ट की साउंड सुनना आपको कैसी लग रही है। तो एग्जॉस्ट की साउंड देखो मैंने आपने एक्सेलेट करके दिखाया, तो इतनी कोई खास थी नहीं, आपको पता नहीं पड़ा होगा कि हाँ इसमें खास है कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कानों से सुनोगे ना, जब ये आइडल में खड़ी रहती है, हल्की हल्की रेस देते हैं, तो भाई बहुत प्यारी आवाज़ निकालती है, तब बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर सुनने में, जो इसकी एग्जॉस्ट की साउंड होती है। चलो अब मैं ड्राइविंग सीट पर आ गया हूँ, थोड़ा मैं एक्सेलेट करके देखता हूँ, थोड़ा अपने ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देता हूँ आप लोगों को कि गाड़ी में क्या बढ़िया है। जिसकी टाटा गाड़ी सबकी इतनी है, इतना ही लूज रहेगी, आप चाहे 5 साल चला लेना गाड़ी को, इतनी लूज रहेगी वो। ये नहीं है कि वो अभी अभी लग रहा है आपको नई गाड़ी है, इसलिए वो हमेशा ऐसी रहेगी। पावर तो ठीक ही है, पावर तो जैसी बात
और वो है पोलो जीटी नहीं है कहीं से भी। पोलो अभी पोलो तो है ना, है i20 N-Line है। कितने की ऑन रोड ना, वो ये बन सकती है ना, ये वो बन सकती है, सब में अलग अलग ऊपर इसमें मजबूती है। टाटा के बता उनका 10,60,000 ऑन रोड ठीक ही है। अभी यूटर्न ले लेना, अभी शोरूम पे 10,60,000 R1 है, R2 12,12,000 रुपए है। ये कौन सा है? ये R2 है। ये 12,12,000 ऑन रोड एकदम टॉप हो गया। चल रही है या फिर मिल रही है अभी गाड़ी है? मिल जाएगी गाड़ी तो। इसके तो बायर कम ही होंगे। तो इसी में प्लान कर रहे हैं। बस यूटर्न ले लो यहाँ से। क्लच एकदम छूट रही बहुत ज़्यादा। है ना? सेम चीज़। आपने चलाई है भाई ये वाली गाड़ी? नहीं भाई, मैंने नहीं चलाई। आज है। एक बार आप भी चला के देखो। समझ पाओगे क्या कह रहे हैं हम। ये तो जब हमारी टेस्ट ड्राइव कार आएगी ना तब चलाएंगे। अच्छा टेस्ट ड्राइव। ये चीज तो बढ़िया। एक्सीलरेशन पूरी दे रही है। दूसरे गियर में 85 भाग रही है। और क्या है 85 कितने? 85 चली गई थी। हां और क्या? अरे वाह, मेरे भक्तरी है ऐसी बात नहीं। आप स्टार्टिंग में अगर तीसरा गियर डाल के फिर भगाओगे ना तब नहीं भागेगी, तो टर्बो उठेगा उसमें, वो लेट भागेगी। लेकिन जब भागेगी तब गंदा भागेगी वो। जब टर्बो की रेंज में आएगी रिदम में भगाओगे तो भागेगी, फुल भागेगी। फिर ये जितनी इसकी पावर है टर्बो वाली रेंज में भागेगी। हाँ, फिर स्टार्टिंग से ही टर्बो रिदम इसका चार्ज हो जाएगा फर्स्ट गियर से ही। तो यार यही थी आज की वीडियो। आप लोगों ने मैंने दिखाया कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस में क्या था, और थोड़ा मैं इसका कंक्लूड कर देता हूँ पूरी वीडियो को। तो यार देखो, जो इसमें 120 bhp बता रखी है ना इंजन में कि दे रखी है 120 bhp, मुझे कहीं भी दिखती नहीं है वो 120 bhp। अब चाहे आप लोग बोलो कि तू टाटा को हेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन मुझे सही में ना ये स्मूथ लगी और इसमें 120 bhp कहीं दिखती नहीं है। हाँ, इसमें गाड़ी में पावर अच्छी है, फील होती है जहाँ अगर आपका टर्बो खुलता है, एक्सेलेरेशन अच्छी होती है। इनिशियल में बहुत जर्की लगती है मुझे गाड़ी, स्मूथ नहीं उठती, तो वो चीज़ मुझे प्रैक्टिकलिटी लगती नहीं है इस गाड़ी में, ठीक है। या वो तुम टर्बो लैग कह लो, कुछ भी कह लो, तो इंजन भाई देखना चाहिए टाटा को कि इंजन अच्छा बनाए। और भाई और सारी चीज़ें टाटा बहुत बढ़िया कर रहा है, फीचर वाइज, लुक वाइज, हर चीज़ एक नंबर है इनकी। बस एक बार इंजन और अपनी भाई सर्विस की जो चीज़ें होती ना, ये चीज़ें सुधारे ना टाटा, तो भाई बहुत बढ़िया कंपनी बन सकती है ये। मुझे इससे बेटर कहीं ना कहीं 1 लीटर मुझे फ्रॉन्क्स का और i20 का लगाता कहीं ना कहीं, अगर मैं अगर कंपेयर करूँ तो। तो यार यही थी आज की वीडियो। आप बताना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।